नई परेशानी जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर सामने आई है। इस वक्त हम हैं छन्नी हिम्मत में और ये एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है। यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जब से शुरुआत हुई है यहाँ पर सेंटर बना हुआ है, लेकिन आज के दिन लोगों को खासी परेशानी आ रही थी। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबी लंबी लाइनें रहती थी, 100, 200, 150 लोग जो थे एक लाइन में रहते थे और उस वक्त पता नहीं चलता था कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से डोजेस लगते हैं। लोगों को लगता था सबको लग रहा है, लेकिन आज के दिन जो परेशानी आ रही है वो आपके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, सीनियर सिटीजन है जिनको डोज लगना है, उम्र काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर वो 3 घंटे से सुबह से बैठे हुए हैं और उनको वैक्सीन नहीं लग रही है। यानी भीड़ नहीं है बिल्कुल, देखिए कोई भी नहीं है, 2 लोग यहाँ हैं, 3-4 लोग अंदर होंगे, 4-5 लोग यहाँ पर आए हैं और सुबह से आए हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको डोज नहीं लगी है। और क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है वो आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर, इनसे पहले बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा मट्टू है। ये मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, ये सर्टिफिकेट है जो ये सर्टिफिकेट देख लीजिए, हम अपॉइंटमेंट से आए हैं मेरे पेरेंट्स। 3 घंटे 43 टेम्परेचर में, स्कॉचिंग हीट में, और हार्ट पेशेंट है और बीमार हैं वो दोनों, और यहाँ पे आए हुए हैं लेकिन जाब नहीं लग रहा है, बिकॉज दे सेइंग जब तक 10 लोग नहीं होंगे। और हम रूपनगर से आए हैं, जबकि ये सेंटर कोई नजदीक 1 किलोमीटर के आसपास हमारे पास 10 ऐसे सेंटर है। आपका स्लॉट बुक हुआ है? स्लॉट बुक हुआ है, दिस इज द सर्टिफिकेट हियर यू कैन सी। ये आपका, ये जिनको आपके फादर मदर, मेरे फादर मदर हैं, ये सामने बैठे दोनों को लगेगा जी, दोनों का सेकंड डोज है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज है। सीनियर सिटीजन थी, इनकी भी मदर है, सबके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स ही हैं। एक मिनट, 3 मंथ्स के बाद इनको पहली बार घर से निकाला है। वी हैव वन रिलेटिव स्ट्रगलिंग इन नारायण हॉस्पिटल, सीरियस कंडीशन में है बिकॉज ऑफ कोविड, उनकी 5 को भी हुआ है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन में 3 घंटे से हैं, स्कॉचिंग हीट में हैं, एंड देयर सेइंग जब तक 10 लोग नहीं होंगे तो नहीं होगा, अगर नहीं होंगे तो फिर वापस जाइए। क्यों ऐसा क्यों है कि 10 लोग होंगे तभी करेंगे या फिर गॉड नोज दे, आई डोंट नो। आप पेड ही रखें, कहीं पे रखें, अगर बांडीपुरा में डोर टू डोर आप जा सकते हैं, आप पहाड़ चढ़ के जा रहे हैं, नदी नाले क्रॉस करके जा रहे हैं, जम्मू पीपल आर नॉट ह्यूमन बींग्स, हमें ऑन पेमेंट कर ले, वी आर रेडी टू पे फॉर दिस, हमारे क्यों नहीं पेरेंट्स को ये घर में कर सकते हैं। आप देखिए 43 टेम्परेचर है, अगर इनको कुछ हो जाता है या इन्फेक्शन लग जाता है या ये बेहोश हो जाते हैं, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइव्स। जेएमसी में तो उन्होंने वो बॉक्सेस, जैसे मीडिया वाले हमारे बहुत अच्छे बेहतरीन काम कर रहे हैं, बॉक्सेस रखे वुडन, दे बैक द पीपल एंड थ्रो देम आउट, सो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइव। आपके पास कब मैसेज आया था कि आपका फ्रंट हो गया? आई थिंक कपल ऑफ डेज बैक, 4-5 दिन हो गए। तो यहाँ का इन्होंने बता दिया था, यहाँ का बताया गया था, तो आप यहाँ का बताया गया था। आप यहाँ, आपका क्या रहा पूरा सुबह, आप यहाँ पर आए, क्या बातचीत थी उनके साथ, पूरा बताया? पहले हम दूसरी जगह गए जो एक्चुअल सेंटर दिया हुआ था, हाँ अब शुरू किया है, बिकॉज आप आ गए हैं तो आप शुरू कर रहे हैं, अदरवाइज दे सेड कि अगर 10 नहीं होंगे तो वेट करते जाइए, शाम तक नहीं होते हैं तो आप जाइए। यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं पूछने की डोज हो जाएगा, किसी को नहीं कुछ लगा रहे हैं, शॉपकीपर्स आए मेरे सामने, हमारे सामने सब लोग आए हैं, ये किसी को नहीं लगा रहे, ना 18 प्लस को लग रहा है, ना 45 प्लस को लग रहा है, ना शॉपकीपर्स को लग रहा है, ये कह रहे हैं 10 लोग, आई डोंट नो किन 10 लोगों का ये वेट कर रहे हैं, जब तक नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट डे आ जाइए, नेक्स्ट डे भी नहीं होगा तो चलता जाएगा, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक। आपने जो स्लॉट बुक किया है आपका, तो टाइमिंग हो जाएगा फिर से आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, गॉड नोस, फिर से आपको इतनी गर्मी में वो भी, अगर हम जिंदा रहेंगे सीनियर सिटीजन अगर तैयार, कितने घंटे वो सर्वाइव कर सकते हैं, अभी निकलना खतरे से खाली नहीं, जैसे खाली नहीं है, 43 टेम्परेचर में एक हार्ट पेशेंट को अगर मास्क लगा के हैं, अगर उनको डिप्रेशन हो गया, मेरी मदर है उसके टांग में प्लेट्स लगे हैं, तो सारे उनके पेरेंट्स पे कोई ना कोई प्रॉब्लम, सीनियर सिटीजन है वो, ये कौन सी इंसानियत है? ये तो आप थे जिन्होंने हमें कॉल कर लिया, तो हम आ गए, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके जो यहाँ से निराश होकर चले गए। आई विल टेल यू, अगर जम्मू में कुछ है जो ऑनेस्ट है, दैट इज अवर मीडिया, और सब लोगों को अगर किसी पे आशा है, दैट इज अवर मीडिया पीपल जो रिलेंटलेसली रात दिन काम करते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, और कुछ नहीं है यहाँ, वी डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, जम्मू इज़ इग्नोर लॉट, दे डोंट केयर, मरते हैं तो मरे। पहला इनको डोज लगा था तब तो काफी भीड़ रश था, जब आप गए आप पेड बीएन हॉस्पिटल में किया था, इस बार तो पेड भी नहीं है, तब भी रश था बहुत, पेड में भी बहुत रश था, हमारे घर के आसपास देर आर 20 सेंटर्स, लेकिन कहीं भी जाब नहीं लग रहा है, हमें छन्नी क्यों आना पड़ा, रूपनगर में क्यों नहीं हुआ, जानीपुर में क्यों नहीं हुआ, उधर से इतने सारे क्यों नहीं हुआ, व्हाई डिड वी हैव टू ट्रैवल 20 किलोमीटर्स, एंड देन देर सेइंग कि, और वो बेचारे चल भी नहीं पा रहे हैं सीनियर सिटीजन से, और बाद में 3-4 घंटे रुकने के बाद आप बोल रहे हो कि अब देखा जाएगा,
आएंगे लोग तो आएंगे, इतने लोग सुबह से आ रहे हैं पूछने के लिए, उनको किसी को लगा नहीं रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि लगा क्या 10 लोग हो गए, ये जानने वाली बात नहीं, आप आए हैं अभी एक्टिव हो गए हैं, हाँ आपकी वजह से, अगर आप नहीं आते तो शायद नहीं लगता हमको फिर वापस जाना था। साथ में ही नहीं, ये इनकी भी मदद। आप कहाँ से? मैं सानेगलों से। तो आप कितने बजे से आए? मैं वही आया हूँ सर, 1 बजे। सेम चीजें आपको फेस करनी है? सेम सेम, तभी मैंने मैडम ने तभी हमने आवाज उठाई। आपका कौन, किनको? मेरी मदर है, उनको लगा रहे हैं जी। तो आपका क्या टाइम यहीं का बताया? जी जी जी, मेरा नहीं सेकंड होगा सर, मेरे पास अपॉइंटमेंट भी है सब कुछ है। अभी यहाँ पे आया तो मैडम मेरे को मिली, तो मैडम कह रही है अंदर 10 बंदे होंगे तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट इंजेक्शन लगेगा, उसके पहले लगेगा, नहीं तो आप चले जाइए वापस। अगर 10 लोग नहीं हुए आज के दिन नहीं आते, अपना आपने वेट कर लिया 2-3 घंटे, ऐसा भी हो सकता है। ये मेरी मदर है, बिकॉज मीडिया लोग आप लोग आए हैं तो शायद लगाएंगे, लगाया है इनको। पता जी इतना, ये इनकी मदर लगी है, तुसे लगी है, थैंक्स टू यू, नहीं तो कुछ नहीं लगना। नहीं तो क्या कहे, नहीं लगाना 10 बंदे नहीं, आप भी 10 बंदे नहीं है, आप कैसे लगाए? उन सात सात है, कितने आप? सात ही है ना, सात है। आपकी कॉल वेस्ट हो गई, आपकी कॉल वेस्ट हो गई, तो अभी क्यों शुरू कर दिया? वही तो जानना था। नहीं देखो, मैं यहाँ की बात, मैं यहाँ की बात भी रखने वाला था। अभी दवाई वेस्ट होगी, अभी हो जाएगी, दवाई जो बाकी डोज है वो वेस्ट हो जाएगी। तो फिर आपने शुरू क्यों किया? अभी वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हो इसीलिए आपने बोलना शुरू किया, क्योंकि आपकी तरफ से बात आ रही है। हाँ, नहीं बीच में नहीं मैम, हमें आना पड़ा तभी चीज़ें शुरू हुई हैं, अगर हम नहीं आएंगे चीज़ें शुरू कैसे होंगी? सुबह से लग रही है डोज, ये सुबह से आए हैं मैम। देखो आप अभी बात करो, मुझे बात करनी पड़ेगी आपके साथ, या तो आप जवाब मत दीजिए, अगर जवाब दे रहे पूरी बात करिए फिर मेरे साथ, क्योंकि आपके सामने ये सुबह से आए हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर हम करें, और आप कह रहे हो कि यहाँ से ये सुबह से लग रही थी यहाँ पर किसी को डोज? सुबह से यहाँ डोज लगी किसी को जब से आप आए? ये कह रहे हैं डोज लग रही है, तो फिर मैम यहाँ झूठ कौन बोल रहा है? ये सुबह से लग रही है, तो फिर इनको क्यों नहीं लगा रहे थे आप लोग? एक्चुअल में एक जब हम एक बाइक खोलते हैं उसमें से 10 डोजेस निकलते हैं, तो गवर्नमेंट का पीछे से ऑर्डर है, ऑलरेडी वैक्सीन कम आ रही है, ठीक है, तो उन्होंने बोला जब 10 लोग होंगे तभी आपको वैक्सीन की बॉटल खोलनी है। तो जो आपने डोज जो पहले आपने वो खोली थी वैक्सीन के लिए दवाई खोली थी, तो वो पूरी प्रॉपर हो गई थी पूरी? पहले दो बार, तो जब से ये कह रहे हैं हम आया तब से ये तो कोई बाद में आए ना, ये कोई मतलब कि जब वो दो लोग मतलब कि दो बॉटलें खत्म हो गई उसके बाद आए हैं ये आते, तो हमने इनको भी करना था, तो अब थर्ड बॉटल खोली है, अब इसमें 4 लोग चाहिए, एक तो लेने गई हुई है। अभी फिर आपने शुरू क्यों कर दिया? क्योंकि मैं आपकी बात भी रख रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो, मैं तभी अंदर पहले बात करने आया, मैं ना इनको गलत कह रहा हूँ ना आपको गलत कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जहाँ से ये चीज़ें बन के आ रही उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ ना आपको गलत कह रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, मेरे को बात रखनी है, क्योंकि मैं तभी पहले अंदर बात करने आया, मैंने उनकी बात सुन ली, इसलिए मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, जो आपने कहा वो सही था, मैंने सबकी बात रखनी थी, बात उन तक पहुँचानी थी जो ये डोजेस बना के भेज रहे हैं, क्योंकि अगर एक अकेला इंसान रह जाएगा लास्ट में, कोई अकेला होगा, अकेला ही रहेगा, उसको वैक्सीन क्या नहीं लगाओगे फिर आप? क्योंकि आपको दवाई खोलनी पड़ेगी 10 लोगों के लिए, एक अकेला इंसान होगा फिर उसके लिए क्या करोगे? फिर क्या करना, वेट करना पड़ेगा, तो कोई नहीं आएगा फिर, मतलब उसके दूसरे दिन बुलाना पड़ेगा, हम खुद चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही है ना, यही चीज मैं यही कह रहा था, और कुछ वैसी चीज और कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये इनसे बात अभी ये कर ली है, तो यही चीज मैं भी कह रहा था, क्योंकि इनका भी ये कहना है कि डोजेस जो है, जो एक बॉटल ये खोल रहे हैं इंजेक्शन के लिए 10 लोगों के लिए मिनिमम वो प्रॉपर जो है यूज़ आती है, अगर कम लोग होते हैं, जो इनका कहना है यहाँ पर गवर्नमेंट इंडिया का, इन्होंने कहा कि हमारा कहना नहीं है, गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से यही इंस्ट्रक्शंस आई है, मेडिकल टीम को यही इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो डोज है जिसको इंजेक्ट किया जा रहा है लोगों में या सीटें जिन 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 एज के भी लोग हैं, एक इंजेक्शन जो है यानी कि एक डोज जो है एक बॉटल में वो 10 डोजेज होते हैं और 10 लोगों को लगाई जाती है, अगर उनसे कम लोग आते हैं और अगर हम वो बॉटल खोल लेते हैं इंजेक्शन की, तो अगर बाकी लोग नहीं आते यानी कि 5 आते हैं और 5 लोग नहीं आते, तो वो 5 लोगों की डोज जो है वो 3-4 घंटे के बाद जो है वो बेकार हो जाती है, उसका कोई वजूद नहीं रहता, ये इनका कहना था जो ऊपर से ऑर्डर आया है, तो हम इसलिए ये आवाज़ भी उठा रहे थे कि अगर ऐसा है तो इसमें चेंजेस क्यों नहीं लाए जा सकते, अगर आप बॉटल में 10 लोगों का इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्शन बना रहे हैं, दवाई बना रहे हैं, तो आप 2 लोगों के लिए भी बनाइए, एक पर्सन के लिए भी बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो जिस तरह से ये लोग आप देखिए ये सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं सर, वेयर सीनियर सिटीजंस एंड वी हैव बीन हियर सुबह से 2-3 घंटे हो गए हमारे, और हमारी टांगे भी दुख रही हैं, ये वो गर्मी पसीना
क्या करेंगे। टाइमिंग तो आपको इसी समय की दी गई थी, आप तो टाइम पे पहुंचे थे। हम जी सबसे पहले यहाँ कोई नहीं था, देयर वाज नोबडी हियर, वी रीच्ड हियर, सो दे आस्क्ड अस दैट जी 10 कम से कम 10 होने चाहिए। मैंने कहा यार 10 हम तो सीनियर सिटीजन हैं, अब कहाँ से हम 10 लाएंगे, ये तो भाई हमको दे दो तो हम निकल जाएंगे। दे डिड नॉट बॉदर, ये अपना काम अंदर कर रहे थे, अपना जो भी मस्ती थी चाय शाय ये वो। अब हम यहाँ बूढ़े लेक वेयर आई एम अराउंड सीनियर सिटीजन, ये भी सीनियर सिटीजन बैठे थे, नोबडी बॉदर्ड फॉर अस। सो ये है, आई वांटेड टू टॉक टू हेल्थ कमिश्नर इवन, वो जो डुल्लू साहब, ये बात उनके कान में जानी चाहिए, ये क्या आपने रखा है, व्हाट दिस क्राइटेरिया, व्हाट व्हाट क्राइटेरिया यू हैव केप्ट हियर, कि ये जब तक 10 आदमी जमे हो जाएंगे तो वो तब तक आदमी मर जाएगा, तो टॉर्चर उनका टॉर्चर किया जा रहा है। और ये कल प्रधानमंत्री मोदी जी जब शाम को 5 बजे वो पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, पूरे राष्ट्र को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था, और उन्होंने ये कहा था कि हर एक व्यक्ति तक जो है वो वैक्सीन पहुंच रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ चीज़ें जो है अभी भी सही तरीके से नहीं चल रही, क्योंकि अगर ये प्रोसेस है वैक्सीनेशन का तो सवालिया निशान उठना ज़रूरी है और बनते भी है, क्योंकि इस प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा लोगों में हरासमेंट हो रही है, टॉर्चर हो रहे हैं लोग, और इतनी उम्र दराज लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे 3-3, 4-4 घंटे, डर बना रहता है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि कोविड है, इसी वजह से नहीं निकल रहे हैं। अनलॉकडाउन बेशक शुरू हो चुका है लेकिन SOPs फिर भी जारी है, गाइडलाइंस फिर भी जारी है, लोग सिर्फ यहाँ पर आ जाए थे वैक्सीनेशन के लिए और ये 3-4 घंटे लोग यहाँ पर बैठे रहे, तो ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर एक भी इंसान आता है डोज उसके लिए भी होनी चाहिए, उसके लिए आप कुछ करिए, क्योंकि ऐसे परेशानियाँ लोगों को होती रहेगी तो जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस आप चला रहे हैं उसमें कभी सफलता नहीं मिल पाएगी और लोग इसी तरह से निराश होते रहेंगे। अभी अभी आप मैं 10 बार आ चुकी हूँ सैनिक लोनी, 10 बार गया हूँ। आपके आपने लगानी थी? हाँ लगवानी थी, ऑनलाइन बुकिंग में कह रहे 1-4 जाओ, यहाँ आते हैं कह रहे जी आप 3 महीने बाद आओ, आप मास्क लगा के रखो, तो बहुत हरासमेंट हो रही है, मतलब कि चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, 3-3 घंटे खराब, 2-2 घंटे खराब, जो वाकिफ लोग हैं इनके वो सब लोग आगे जा रहे हैं, सब लोगों को दो-दो एक के साथ, एक के साथ 5 बंदे आते हैं वो लगा जाते हैं, कोई बुकिंग नहीं उनकी, कुछ नहीं। आप कैसे कह सकते हो कि इनके जो बात, मैंने खुद देखा हमने सैनिक कॉलोनी में देखा है, बहुत सारे लोगों को लगा डॉक्टर के जो वाकिफ है, कोई साला है, कोई साली है, कोई जीजा है, कोई ऐसा हो रहा है कहते 6 पेशेंट है, 10 होंगे तब आना, 4 चले जाते हैं बीच में, 2 रह जाते हैं, फिर 6 होते हैं तब नहीं लगते, काफी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं हम। अभी जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, 7 लोग ही हैं, हमने अंदर देखा कि सिर्फ 7 लोग आए हुए हैं, और जैसे 10 लोगों के लिए कहा जा रहा है कि 10 लोग मिनिमम होने चाहिए जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन अभी जब हमने बात की तो सिर्फ 7 लोग ही थे, वैक्सीनेशन शुरू कर दी। अगर ऐसा ही था तो पहले ही कर देते, इन लोगों को हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इतना बड़ा सवाल निशान एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं उठता कि इस तरह के काम जो है वो ग्राउंड लेवल पर हो रहे हैं। ये अपडेट जो थी हमने आपको दी है, ये फिर से आपको बता दूँ, हमें छन्नी मत में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, तो यहाँ से अपडेट दे रहे थे। फिलहाल पूरी अपडेट से दीजिए इजाज़त, और जिस कार्य के लिए हमें बुलाया गया था, वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, चलिए हमारा आना सफल रहा, लेकिन हर जगह हमें नहीं आना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को देखना है कि जो काम ग्राउंड लेवल पर हो रहा है, कि अगर वहाँ पर कमियाँ आ रही हैं, सवाल आप पर उठाए जा रहे हैं, क्यों उठाए जा रहे हैं। हम मेडिकल टीम का हम मेडिकल टीम पर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि डॉक्टर्स जो है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, वो बेइंतहा अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हायर अथॉरिटी की तरफ से जो नाकामियां सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें हम आपको वो दिखा रहे हैं। अभी वैक्सीन यहां पर शुरू हो चुकी है, और कहीं और पर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमने संपर्क कर सकते हैं। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।